थोड़ी देर में मोनी का ढाबा खोल लूंगी। धमाकेदार। ये खंडेलवाल ढाबे को बंद कराने की तैयारी कर रही है। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू व्लॉग। तो आज आए हैं मम्मी के पीहर से सब लोग मिलने मम्मी से। तो आओ दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन आया है। चाची जी है। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। और बताओ, आपका फोन भी नहीं उठाती? ना, फोन भी नहीं उठाती। और बोलती है मैं 10 मिनट में कर रही हूँ, उसके 10 मिनट 10 महीने तक नहीं। 10 मिनट 10 महीने तक नहीं। सॉरी, अब ऐसे नहीं होगा। देख, गलती हो गई। ये मेरी बुआ जी है, जयपुर से ही, जयपुर में रहते हैं। बुआ जी कमला बुआ जी है ना, इनकी लड़की, उनकी बेटी है ये। और मेरी बुआ जी है ये। अच्छा, प्यारी सी बेटी जी है। और ये मेरी चाची जी है। अच्छा, ये बुआ जी की बड़ी बहू है। अच्छा, रेखा नाम है इनका। और ये मेरी चाची जी है। तो अब मम्मी को छोड़ के मैं और हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो आओ दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, किसके क्या क्या लेंगे हम लोग शॉपिंग करते टाइम। दादी जी को तो कई दिन हो गया है। तो हम लोग निकल चुके हैं, मतलब अभी मैं बैठी हूँ गाड़ी में, नानी जी और अभी आ रही हैं। लोग आ चुके हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं। और ये है साड़ियों का कलेक्शन यहाँ पे इनके पास। देखते कौन कौन सी है। ये दो चीज और एक ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी लगी और कुछ खास लगा नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ले लूँगी मैं, इसका बिलिंग कराऊंगी। तो हम लोगों ने शॉपिंग की है, दो एक बॉक्स और एक बास्केट ली है, छोटी सी क्यूट सी। मैंने भी वही ली है और चाची जी ने भी सेम वही ली है। और तो यहाँ पे कुछ खास था नहीं और कुछ पसंद नहीं आया, बस यही चीज़ पसंद आई तो वो हमने ले ली। आपको कुछ और अच्छा लगा क्या नानी जी? बस जो हमने लिया वही अच्छा लगा, और कुछ कपड़े भी कोई खास नहीं थे। बस ये जो चीज़ लगी कि घर में काम आएगी बस वही लिया। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मैं नानी जी और को घर पे छोड़ूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर पर। तो अब नानी जी और को तो मैंने छोड़ दिया और मैं निकल गई हूँ घर की तरफ। अब घर चलते हैं, फिर बताती हूँ मम्मी को कि मम्मी ये लिया है। वहाँ पे कुछ ऐसा खास था नहीं। ठीक रहा मम्मी नहीं गई, वरना परेशानी होती मम्मी भी। बने हैं सूजी के ढोकले, नारियल की चटनी और सॉस। तो अभी जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है मैं तो किचन में हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ मस्त छोले चटपटे। देखिए अभी मसाला इसका भुन रहा है, मस्त वाले छोले बन रहे हैं। और अभी मैं चल रही हूँ बाहर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी और क्या क्या कर रही है। तो अभी मम्मी तो लगा रही है अपनी साड़ी के फॉल। मम्मी की पसंदीदा साड़ी है मम्मी, और छोटी मम्मी, हाँ मम्मी अपनी पसंद से लाई। मम्मी को काफी टाइम से ये साड़ी चाहिए थी, फाइनली मम्मी को ये साड़ी मिल गई। और ये छोटी मम्मी बैठी है, मम्मी को सपोर्ट कर रही है कि चलो मैं बैठती हूँ आपके पास, आप फॉल लगाओ। है छोटी मम्मी, छोटी मम्मी साड़ी देख रहे हो क्या आप? अरे मैंने पहन के देखी थी, फैशन शो करके देखा था। अच्छा, फैशन शो करके देखा था, फिर अच्छी लगी? चलो बढ़िया है। तो छोलों के तो कर दिया है मैंने बिल्कुल तैयार, क्योंकि वो अब बस सीटी लगना बाकी है। तो अब सीटी लग रही है इसके अंदर, और मैं अब करती हूँ लच्छा प्याज तैयार, जो कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जो हमारे प्याज है ना, उनको हमने से गोल गोल काटा है और अब हम इनको यूँ निकाल लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से निकाल लेंगे। इसमें बन रहे हैं चावल। तब तक हम लोग चलते हैं ऋषभ के पास कि ऋषभ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या कर रहा हूँ मैं? एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ और जो कि अभी तक किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अच्छा। और हमारी जनता को भी नहीं पता। अब मुझे नहीं पता तो जनता को कैसे बताओ? किसी को नहीं पता, लेकिन एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि ठीक है हो गया। तो देखो ये रहा मेरा पर्स। गजब बेइज्जती है। जनता इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात सुनने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो चीज मैं ला रहा हूँ ना वो बड़ी धमाकेदार आने वाली है। कोई सेंस है इस बात की? धमाकेदार। धमाकेदार क्या है बताओ? बस वो धमाकेदार होगी जब आएगी, जब दिखाऊंगा बताऊंगा। देखो ये रखा मेरा पर्स, ये मुझे ऋषभ ने दिया था शादी से पहले। देना ऋषभ। और ये आई है नितिका जी। फोन किस लिए? तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में, जब लच्छा प्याज रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो बनने के बाद कैसा दिखता है। तो ये है हम लोगों के लच्छा प्याज एकदम मस्त। अभी जा रहे हैं पापा के पास छोले की सब्जी का रिव्यू लेने के कैसी क्या उनको लगी। तो चलो चलते हैं डैडी के पास। आपको कैसी में लगी सब्जी? ये वाली सब्जी दी बेस्ट है। मतलब वो जो अपन कौन सी थी वो कल कौन सी खिलाई थी, पनीर वाली ना, वो पनीर वाली सब्जी एक मेरे लिए सरप्राइज आइटम था, क्योंकि वैसी सब्जी घर में कभी नहीं खा सकते। ऐसा लगा खंडेल वाल ढाबे पे खा रहे हो। और आज मैंने जो सब्जी देखी ना तो इतनी प्यारी लगी, मुझे ये लगा कि वास्तव में ये खंडेलवाल ढाबे को बंद कराने की तैयारी कर रही है। थोड़ी देर में मोनी का ढाबा खोलूंगी मैं, राधे राधे ढाबा खोलूंगी। भाई इसकी इतनी गजब रेसिपी है सब्जी की। जैसे कल पनीर की सब्जी की रेसिपी थी ना, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी छोले की सब्जी और ऐसी पनीर की सब्जी जिंदगी में पहली बार खाई। इससे पहले मैंने कभी नहीं। कविता जी की रेसिपी है। हाँ, ये कविता मामी जी की रेसिपी। कोई सी भी जी की रेसिपी हो मेरी तरफ से तो मेरे लिए तो मोनिका ने बना के पेश की है ना। और कविता जी की अगर रेसिपी तो कविता जी तो भाई ग्रेट है। कविता जी की तो हर चीज सॉलिड होती है और वास्तव में मतलब गजब चीज है। और ये प्याज कैसी लगी आपको? प्याज अच्छी है, लेकिन ये कल वाली प्याज थी ना, वो ज्यादा बेहतर थी। वो इसमें क्या नींबू नहीं डाला? मम्मी को खटाई मना है ना। अच्छा, इस वजह से। अब की बार नेक्स्ट टाइम क्या करना, ये जो प्याज है ना, इस प्याज के साथ हरी चटनी बनाना। अच्छा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी लच्छे डाले, ऊपर से डाल दे। ठीक है। लेकिन इट्स वेरी नाइस, एप्रिशिएबल, आई लाइक इट। तो अब हम लोगों ने ले लिया डैडी का रिव्यू भी कि डैडी का रिव्यू क्या रहा। और मैं आ चुकी हूँ रूम में और ऋषभ यहाँ पे कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हो ऋषभ? मैं थंबनेल बना रहा हूँ। बेजो यार आप लोग का थंबनेल तो है? अरे भाई खाना वाना लग रही है पेट में चूहे। तो आज का दिन यूं ही बीत गया, थोड़ा हंसी मजाक में, थोड़ी सी शॉपिंग करने में, यूं ही पूरा दिन निकल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अपना प्यार इस वीडियो पर दिखाते रहो, एकदम अच्छे से दिखाइए ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा मजा आए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ब्लॉग आपका कंप्लीट हो तो हमको कुछ खाने को मिले, तो कुछ लेके आया जाए, कुछ नया धमाकेदार। हम भी थोड़ा रिव्यू दें इसी वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो दे देंगे, सब देंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं इस वीडियो में। अरे भूख लग रही है, कुल मिला के ये बोलना चाहता हूँ मैं। क्या करोगे खाना आगे, रोज ही तो खाते हो। और आ चुके हैं हमारे पास छोले चावल दही और ये लच्छेदार प्याज। क्या बात है यार, एक नंबर वाले मजे आने वाले। मतलब किसको खाने के बाद चावल चावल और छोले जिसको पसंद है फटाफट कमेंट कर डालो, किस को पसंद है वो कमेंट कर डालो।